हेलो भाइयों, मैं हूँ पुष्कर। आज फिर से भाई देखो, गर्मी में ही मतलब टाइम मिलता है यार, दोपहर के टाइम ही वीडियो वगैरह बनाने का। लेकिन आज की जो वीडियो है ना, बहुत ही ज़्यादा भाई मज़ेदार सी होने वाली, क्योंकि आप सभी भाई जानते हो कि मैं इसमें भर भर के एक्सेसरी लगवा चुका हूँ। आप चाहे भाई इसकी बात कर लो, चाहे आप सनवाइजर की बात कर लो, चाहे आप पीछे के बम्पर की बात कर लो, सारी चीज़ें ए टू जेड लगवा चुका हूँ। अब मेरे को इसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं लगती सिवाय PPF के। अब PPF तो भाई बहुत ही ज़्यादा बाद की बात है, अभी तो कोई ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं होती, लेकिन बाद में भाई भगवान ने चाहा तो PPF भी लगवा लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज की जो एक्सेसरी में लाया हूँ ना यार, उसके बहुत ज़्यादा रिव्यू मैं देखता था यूट्यूब पे। एक सेकंड में इंजन को ऑफ कर देता हूँ, शायद आपको आवाज़ आ रही होंगी, तो उसकी वजह से डिस्टर्बेंस होता रहता है। एक तो यार ये गाड़ी है ना, गर्मी में मतलब अभी निकाली है मैंने, इस पर कवर वगैरह अभी उतारा, अभी मैं आपको डिग्गी में एक बार ही लेके चलता हूँ। इधर की साइड आप देख सकते हो, अभी मैंने इसका कवर उतारा भाई, इतनी भाग रही थी गाड़ी, मैंने शीशे खोल के 2 मिनट के लिए AC वगैरह चालू कर दिया, तो जब जाके इसमें थोड़ा बैठने लायक माहौल हुआ है। अब मैं भाई आपको अभी का सीन बताता हूँ। आप भाई यूट्यूब पर देखते होंगे कि बहुत सारे लोग हैं ना, उस इनकोल के परफ्यूम का बहुत ज़्यादा लोग हैं ना ऐड करते हैं। अब वही एक एक्सेसरी थी जो कि भाई मेरे पास नहीं थी, क्योंकि आप जानते हो जब गाड़ी नई लेते हैं ना, तो 6-7 महीने तक तो आपको कोई परफ्यूम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि डैशबोर्ड की जो भाई खुशबू आती है ना, वही सबसे ज़्यादा प्यारी सी लगती नई गाड़ी में। तो लेकिन अब वो है ना भाई, फेड होने लग गई थी खुशबू, मतलब जो नई नई गाड़ी में आती है ना, वो भाई कुछ समय के बाद फेड होने लग जाती है। तो मेरी गाड़ी में ही भाई वो फेड होने लग गई थी। अब मेरे को ज़रूरत पड़ रही थी भाई एक नए कार परफ्यूम की, तो भाई वो चलो फिर एक न्यू परफ्यूम ऑर्डर कर ही देते हैं इस न्यू हुंडई वेन्यू के लिए, क्योंकि अब बुरी स्मेल तो झेल ही जाएगी गाड़ी के अंदर, तो अब एक नया परफ्यूम इसके लिए ऑर्डर कर ही देते हैं। वो जो पेड प्रमोशन देखते हैं ना इन्वॉल्व योर सेंसेस का, वही कर दे रहे हैं इसके लिए ऑर्डर। तो जैसा कि आप भाई देख सकते हो, मैंने इन्वॉल्व का परफ्यूम ऑर्डर कर दिया फ्लिपकार्ट से, और कूपन कोड वगैरह भी लगाकर देखा था, पर कोई ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये लोग फालतू में प्रमोशन वगैरह करते हैं यूट्यूब पे। तो शिफ्ट तो हो चुका है, बाकी आप डिलीवरी डेट देख सकते हो, 13 मई तक आ जाएगा, तो इसका इंतज़ार करते हैं, उसके बाद मैं आपको रिव्यू दिखाता हूँ। तो आपको भाई यहीं से दिख रहा होगा इन्वॉल्व का एक परफ्यूम लटका हुआ है। अब मेरे साथ ना भाई बहुत ही बुरा सीन हुआ है, उसके बारे में मैं आपको एक बारी बताता हूँ। इन्वॉल्व का परफ्यूम, ये जो भाई जितने भी लोग करते हैं ना, ये सारे पेड़ प्रमोशन होते हैं इन्वॉल्व, हालांकि हाँ उनके परफ्यूम बढ़िया है भी, पर मैं एक बारी आपको ना इस पूरी वीडियो में आपको एक छोटा सा है ना रिव्यू देता हूँ कि इन्वॉल्व का परफ्यूम आखिर, ये जो इतने सारे यूट्यूबर्स करते हैं इनका जो प्रमोशन करते हैं, ये आखिर एक्चुअल में है कैसा, और एक जब आम आदमी खरीदता है तो भाई उसको कैसा कुछ एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। अब मैं एक बारी आप इसकी पहले अनबॉक्सिंग देखो, जब भी मैंने मंगाया था, तो अनबॉक्सिंग देख के फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो भाई वो इन्वॉल्व योर सेंसेस की तरफ से हमारा जो परफ्यूम है वो आ चुका है। अब आप कहोगे भाई तुमने तो फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, ये अमेजोन से क्यों आया फिर, तो उसके पीछे की स्टोरी मैं आपको एक बारी थोड़ी देर में बताता हूँ, 1 मिनट का वक्त दीजिए मेरे को बस। अभी मैं एक बारी इसको खोल के दिखा देता हूँ आपको कि इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है जैसे ही आप इसे खोलते हो। हालांकि ये मैंने पहले खोल चुका हूँ, पर फिर भी आपको एक बारी दिखा देता हूँ कि इसमें कैसे कुछ आपको इस पैकेजिंग देखने को मिलती है। इसमें आपको ऐसा कुछ अपना कार परफ्यूम देखने को मिलता है इन्वॉल्व सेंसेस की तरफ से, और पीछे अगर आप इसमें MRV की बात करो तो 399 पड़ी हुई है, पर ये करीब आपको ऐसे पड़ जाता है 350-360 के करीब का, वो ये पड़ जाता है ऑनलाइन, तो आप इसे ज़रूर से खरीद सकते हो। इसमें आपको एक अपना ऐसा परफ्यूम देखने को मिलता है, और ये मैंने ओरा मंगाया, इसमें आपको काफ़ी सारे वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि इधर हो गया एक्वा, ओरा, अर्थ, फ्लेम स्पिरिट, एम्बर और बहुत सारे भाई इसमें, जैसे कि अपना लिली आ जाता है, और भी बहुत सारे, अगर आप इसे ऑनलाइन चेकआउट करने बैठोगे तो काफ़ी सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको एक हैंग कार्ड देखने को मिलता है, जिसका ही यूजेज मैं आपको अभी चल के बताता हूँ गाड़ी में, और एक आपको ये इसमें कार्ड देखने को मिलता है इन्वॉल्व सेंसेस की तरफ से, जिसमें कि आपको इनकी वेबसाइट वगैरह देखने को मिल जाती है अगर आप इन्हें ऑनलाइन चेकआउट करना चाहते हो तो। बाकी थैंक यू वैंक यू इस पर लिखा रहता है, तो इसका तो कोई यूज़ है नहीं, इन दोनों चीज़ों का मेन यूज़ है। तो इस कार्ड को कहाँ पर हैंग करना है, कैसे करना है, उसका मैं आपको अभी एक बार ही बताता हूँ। और ऐसा कुछ परफ्यूम देखने को मिलता है, इधर इसका नॉब है, आप इधर से स्प्रे वगैरह कर सकते हो। तो चलो एक बार ही चल के मैं आपको पूरा कुछ दिखाता हूँ। हाँ तो भाई अनबॉक्सिंग तो अब आपने देख ली होगी, अब मैं आपको मेन बात पे लेके चलता हूँ। ये परफ्यूम भाई देखो, मैं परफ्यूम को मैं दोष नहीं दे रहा, अगर आप इसी इन्वॉल्व के परफ्यूम को है ना ऑफलाइन मार्केट में खरीदने के लिए जाते हो, आपको ये भाई ये जो स्प्रे वाला परफ्यूम है ना, ये ओरा का, इनके बहुत सारे आते हैं, जैसे फ्लेम करके आता है, ओरा करके आता है, इन्हें अगर आप ऑफलाइन मार्केट से खरीदने के लिए जाओगे ना, तो ये आपको कम से कम 400 रुपये का देखने को मिलेगा, और उससे कम दुकानदार करती भी नहीं है इसके प्राइसिंग।
क्योंकि वो लोग भाई मेरे को शायद ऐसा लगता है कि वो लोग खुद से ऑनलाइन मंगाते तो वो लोग भी अपना मार्जिन वगैरह कुछ ना कुछ सेट करके रखते हैं। तो इस वजह से भाई मैंने तो ऑफलाइन मार्केट खूब पूछा था दो चार दुकानों पर, तो उन लोगों ने मेरे को 400 का ही बताया था ये। अब फिर मैंने सोचा कि यार ऑनलाइन ही ना मंगा लूँ मैं, ऑनलाइन तो सबसे बढ़िया रहेगा क्योंकि ऑनलाइन सस्ता ही मिल रहा था। उसी टाइम मैंने फ्लिपकार्ट पर चेक करा तो यही सेम परफ्यूम मेरे को देखने को मिल रहा था, ये 306 रुपये का। उसी टाइम मैंने भाई आंखें बंद करके फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दिया। याद रखना फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करा है। अब जो आपने अनबॉक्सिंग देखी उसमें आपने एक चीज़ गौर करी होगी, वो डिब्बा था अमेजोन का। अब उसके पीछे की स्टोरी मैं आपको बता दूं, अमेजोन वो फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर करा था ये परफ्यूम 306 रुपये का। अब एक्चुअली क्या हुआ था, आपने राजस्थान वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं भाई राजस्थान गया हुआ था एक दो दिन की ट्रिप के लिए। तो वो जो डिलीवरी वाला बॉय आया था उसको मैंने बोल दिया कि भाई आप मेरे को अगले दिन दे जाना परफ्यूम, क्योंकि मैं अभी तो हूँ नहीं हाथरस में, तो मैं आज तो मतलब ले नहीं पाऊंगा डिलीवरी इसकी, तो आप मेरे को कल दे जाना, कल मैं आ जाऊंगा हाथरस में, उसके बाद में आप मेरे को ये परफ्यूम दे जाना। मैंने ये बात फ्लिपकार्ट वाले को बोली थी। अब उस फ्लिपकार्ट वाले डिलीवरी बॉय ने भाई ना जाने क्या करा, मतलब अगले दिन ही मेरे पे मैसेज आता है कि योर ऑर्डर वॉज रिजेक्टेड। फिर मैंने उनके कस्टमर केयर पे बात करी तो वो लोग कह रहे थे कि भाई जब आप ऐसे ऑर्डर लौटा देते हो ना तो वो रिजेक्ट में चला जाता है, आप टेंशन मत लो आपका परफ्यूम आ जाएगा। कोई रिस्पॉन्स नहीं फ्लिपकार्ट वालों का। अगले दिन ही जब ऑर्डर रिजेक्टेड का मेरे पास मैसेज आया था, उसके अगले दिन ही मेरे पे मैसेज आ जाता है योर ऑर्डर वॉज कैंसल्ड बाई यू। अब और ये आप झूठ मत समझना चीज़ें, मैं आपको साथ के साथ स्क्रीनशॉट भी दिखाता जा रहा हूँ, पूरा मेरे पास ही एक्चुअल प्रूफ है फ्लिपकार्ट वालों का। तो यार फ्लिपकार्ट वालों भाई सर्विस सुधार लो यार, आपके खुद मतलब कस्टमर केयर वाले से मैंने बात करी वो कह रहा आपका परफ्यूम आ जाएगा, आप टेंशन मत लो, कोई ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ है और आपके नियर बाय स्टोर पर ही आ जाएगा जल्द से जल्द, हम कोशिश कर रहे हैं उसे भिजवाने की। मैंने कहा ठीक है भाई भिजवा देना। अब भाई उनके मतलब क्या ही है, मतलब मैंने बात भी कर ली उन्हें, पूरा सीन एक्चुअली मैं बता भी दिया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं नहीं था हाथरस में इसलिए नहीं ले पाया डिलीवरी, मैंने उसको अगले दिन ही बोली थी। तो मतलब खामे का मतलब मेरी इजाजत के बिना ही आप लोग ऑर्डर कैंसिल कर रहे हो, ना मैंने कुछ कैंसिल का उसे बोला, ना मैंने रिजेक्ट करा, मैंने बस उससे सिंपली ये बोला मैंने कहा अगले दिन दे जाना, मैं आज हूँ नहीं हाथरस में, बस सिंपली एक सेंटेंस बोला मैंने उसको, और उसने ना जाने भाई ऑर्डर कैंसल्ड, ऑर्डर रिजेक्टेड, मतलब यार हद है। फिर ये लोग पता है कॉल करके आप इनका कॉल काटोगे ना तो फिर ये लोग कहते हैं सर फीडबैक दे देना, आपके पास एक मेल आएगा। भाई मैं काय बात का फीडबैक दूं यार, आप लोग की सर्विस इतनी घटिया लगी मेरे को, सही बता रहा हूँ यार, एक मतलब समझा तो करो कस्टमर की यार कुछ होती है। फिर मैंने अमेजोन से ही हार के भाई ऑर्डर करा और अमेजोन वाले इतने बढ़िया निकले कि चलो ऑर्डर तो दे ही दिया उन लोगों ने। हालांकि अब मैं आपको बताता हूँ इसका सीन क्या है, फ्लिपकार्ट पर ही मिल रहा था 306 रुपये का, लेकिन अगले दिन ही इसके प्राइस बढ़ के हो जाते हैं भाई फ्लिपकार्ट पर 360 रुपए के, यानी 359 रुपीस के। अब 359 रुपीस का भाई मेरे को नहीं लगता कि ये वर्थ है खरीदना, क्योंकि जब मेरे को एक टाइम पर 306 रुपए का मिल रहा है एकदम से वो 360 का हो जाए तो भाई आदमी का मन तो थोड़ा सा है ना घबरा ही जाता है कि मैं अब क्यों ही खरीदूं यार, एक टाइम पर तो 306 का ही मिल रहा था, अभी 360 का मिल रहा है तो क्या फायदा है फिर इसे खरीदने का, थोड़ा इंतजार कर लो इसका, क्या पता सस्ता ही हो जाए। तो ऐसे करके भाई फिर प्राइस क्यों बढ़ाया आपने, चलो मैं तो दोबारा भी ऑर्डर कर रही था फ्लिपकार्ट से ही, पर आपने फिर प्राइस बढ़ा दी, अब क्या ही फायदा। हाँ तो भाई इनकी अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखोगे ना तो इन लोग का परफ्यूम जो है वो करीब 349 रुपीज का आपको देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप इनके रेफरल कोड वगैरह लगा लो, जैसे कि जो यूट्यूबर्स इनके प्रमोशन वगैरह करते हैं वो अपना एक रेफरल कोड देते हैं कि आपको इस कोड को लगा देना आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, तो सारे भाई रेफरल कोड वगैरह लगा कर भी मेरे को ये करीब पड़ रहा था डिलीवरी वगैरह चार्ज वगैरह पूरा लगा के 360 रुपए का ही पड़ रहा था, लमसम मेरे को वही फ्लिपकार्ट वाली बात पड़ रही थी। उसके बाद में मैं गया भाई अमेजोन पर, अमेजोन पर मैंने इसके प्राइस वगैरह चेक करे और अमेजोन पर मेरे को ये देखने को मिल गया भाई 315 रुपए का। तो मेरे को लगा कि भाई ये डील तो काफ़ी ज़्यादा सही है, कर देते हैं जल्दी से जल्दी इसको ऑर्डर, तो बस फिर मैंने देरी नहीं लगाई 315 रुपए का ऑर्डर कर दिया। लेकिन आप ये मत सोचिए मेरे को 315 का ही पड़ा है डिलीवरी चार्ज, उसमें भी लगा है ये मेरे को 40 रुपए का उसका डिलीवरी चार्ज लगा है, तो ये मेरे को करीब देखने को मिला है 355 रुपए का। तो मतलब यार इन्वॉल्व योर सेंसेस का है ना, मतलब कोई फिक्स रेट ही नहीं है यार, मतलब आप इनकी वेबसाइट पर देखो रेफरल कोड वगैरह लगाओगे 360 रुपए का पड़ेगा और नॉर्मली आपको 395 रुपए का पड़ेगा, ऑफलाइन आप पूछोगे तो ये आपको 400 रुपए का देखने को मिलेगा, फ्लिपकार्ट पर अगर डिस्काउंट चल जाए 306 रुपए का देखने को मिलेगा। यार इन लोग को है ना मतलब अपनी एक एक्चुअल प्राइसिंग वगैरह रखनी चाहिए तो उस हिसाब से काफी ज्यादा ठीक रहेगा, पर चलो कोई नहीं। अब मेरे पास में भाई ये परफ्यूम आ चुका है और अमेजोन से फिर मैंने हार के अमेजोन से मंगाया, आप इधर की साइड देख सकते हो अमेजोन वगैरह लिखा हुआ है, तो इसकी पूरी अनबॉक्सिंग तो आपने देख ली है, बाकी ये मैंने परफ्यूम वगैरह पूरा निकाल लिया है। अब मैं आपको देता हूँ भाई परफ्यूम का रिव्यू,
देखो परफ्यूम काफी ज्यादा बढ़िया है, स्मेल काफी ज्यादा एकदम मतलब ऐसी है कि आपके दिमाग में नहीं चढ़ती है, बहुत ही ज्यादा एक लाइट सी स्मेल है और सबको पसंद आती है। मतलब जो भी आपकी गाड़ी में बैठता है ना, जैसे बड़ा बूढ़ा कोई भी बैठे, किसी को मतलब ऐसे चुभती सी नहीं है, काफी ज्यादा बढ़िया सी स्मेल है इसकी। लेकिन एक इसका डिसएडवांटेज जो मेरे को लगा ना, क्योंकि मैं इसे यूज कर रहा हूँ करीब 2-3 दिन से, तो उधर की साइड मैंने भाई जब मैं इसे स्प्रे करता हूँ ना, लाइक सपोज आपने इसे स्प्रे कर दिया, पूरी गाड़ी में एकदम महक हो जाएगी। आपके पीछे वाला ही बैठ के कहेगा कि भाई ये कौन सा परफ्यूम है, कितना बढ़िया है और काय काय, मतलब ऐसे आपको पूछने लग जाएगा, ठीक है। लेकिन इसे आपने 2 बार स्प्रे करा उसके बाद में भाई इसकी जो स्मेल है ना वो फेड होने लग जाती है काफी कम समय के बाद। जैसे कि आप 2 घंटे बैठे गाड़ी में, 1.5-2 घंटे बैठे, इसकी स्मेल एकदम फेड हो जाती है, फिर आपको 1.5-2 घंटे बाद ही दोबारा स्प्रे करना पड़ेगा। तो यार ये फेड बहुत जल्दी हो जाता है, तो ये इसकी एक कमी लगी मेरे को, डिसएडवांटेज सही मानूंगा मैं तो, कि ये फेड बहुत जल्दी होने लग जाता है। लेकिन इसकी जो ओवरऑल क्वालिटी है भाई, इसके जो कांच वगैरह की क्वालिटी, मेरे को नहीं लगता इतनी जल्दी फूटेगा अभी, क्योंकि काफी ज्यादा एक हैवी सा और मस्त सा दिया है। तो अगला जो डिसएडवांटेज मेरे को इसका लगा कि ये है भाई इसका हैंगिंग कार्ड का। अब इसका ये मैं बताता हूँ, जब भी आप इसे नया नया लेते हो ना, तो आप इसे डायरेक्टली मतलब ऐसे अपना मिरर में डाल के पूरा पीछे तक नहीं ले आ सकते, ये अपना यहाँ पर ही इसका धागा सा फंसा रह जाता है। आप इसे ऐसे डालोगे ना तो पीछे जो आप देख रहे हो ना, एक सेकेंड, ये पीछे जहाँ पर टंगा हुआ है, ये आपको भाई इसका पूरा धागा खोल कर और फिर उसके बाद यहाँ पर पीछे आपको बांधना पड़ेगा। तो इसमें भाई थोड़ी मतलब रबड़ वगैरह इलास्टिक वगैरह कुछ बढ़िया सी दे देते, ताकि ये बार बार खोलने की और बांधने की टेंशन ना रहे। अब ये भाई जब बांधोगे ना आप, तो इसे खोलना बड़ा मुश्किल है। अब आप इसे अगर कल को खोलना चाहो ना, सपोज आपका परफ्यूम खत्म हो गया, अब आपको दूसरा इसमें हैंगिंग कार्ड लगाना है और आपको पुराना वाला उतारना है, तो इसे खोलना अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप इसे खोल ही सकते, फिर आपको इसका ये जो आप इसकी इलास्टिक सी देख रहे हो, ये आपको कैंची से काटनी पड़ेगी। तो इसे भाई थोड़ा और मतलब इलास्टेबल दिया करो, ऐसा दिया करो कि मतलब मिरर में घुस जाए और पीछे तक पूरा एक ही बार में चला जाए। आपको ऐसे पहले खोल कर फिर पीछे ऐसे बांधना पड़ेगा, तब जाके पीछे जाके हैंक होता है, वरना शीशे पर जो ऐसे लटका हुआ रह जाता है वो काफी ज्यादा ऐसे बुरा सा लगता है। लेकिन भाई ओवरऑल देखो, जो भी बात कहूँ 100 बात की एक बात आपको बताता हूँ, इन्वॉल्व योर सेंसेस का ये जो परफ्यूम है ना, मतलब ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आप ऐसे मत समझना कि इन्वॉल्व वालों ने मेरे को पैसे ऐसे दिए, ऐसा कुछ मत समझना, सारा मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ आप लोग को। ये इन्वॉल्व का परफ्यूम है ना भाई, इसकी स्मेल तो देखो बहुत जल्दी फेड हो जाती है, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी इन्वॉल्व वालों, मतलब 1.5-2 घंटे में बहुत ही आराम से फेड हो जाती है इसकी स्मेल, फिर आपको दोबारा स्प्रे करना पड़ेगा। दूसरी चीज भाई, इसके प्राइस यार आप लोग है ना फिक्स रखो, मतलब कहीं आप अमेजोन दिखा रहा है 315, फ्लिपकार्ट दिखा रहा है 360, उसके बाद में आपकी वेबसाइट दिखा रही डिलीवरी चार्ज वगैरह मिला के 395 रुपए, तो ऐसे यार ठीक नहीं लगता ना, मतलब आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ से खरीदूं। तो आप लोग इसके प्राइस वगैरह थोड़े से बहुत कांस्टेंट रखो, मतलब सेम रखो सारी जगह पर, तो वही ज्यादा ठीक रहेगा मेरी समझ से तो। और फिर आप ऑफलाइन मार्केट में भी देखो तो वहां तो 400 का ही मिल रहा है, वहां तो सबसे महंगा है। तो भाई फिलहाल तो मैंने ओरा मंगाया है इन्वॉल्व का, लेकिन आप अगर चाहो तो इनके काफी ज्यादा इनके ऐसे फ्लेवर्स आते हैं, ये जो एक्वा ओरा अर्थ फ्लेम स्पिरिट एम्बर, ये तो बहुत कम है, इनके लिली और वाइनवुड करके बहुत सारे इनके फ्लेवर आते हैं, तो आप जरूर से ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन। वैसे ही कोई प्रमोशन नहीं है, पर हाँ फिर भी इन्वॉल्व वालों देख लेना, प्रमोशन तो थोड़ा बहुत कर ही रहा हूँ मैं तुम्हारा, एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ, तो कॉन्टेक्ट वगैरह कर लेना मन करे तो, खैर मजाक ही कर रहा हूँ। और बस भाई यही था रिव्यू यार इन्वॉल्व का, तो बाकी अभी इसे मैं यूज करता हूँ, मैंने 3-4 दिन हुए हैं इसे लटकाए हुए, तो अभी मैं और भी ज्यादा इसे यूज करता हूँ, उसके बाद में आपको एक पूरा इसका ओवरऑल रिव्यू दे दूंगा। अगर इसमें कुछ नया मतलब नया कुछ डिसएडवांटेज देखने को मिलता है मेरे को तो आपको बता दूंगा, वैसे तो अभी तक बस यही है कि यार फेड जल्दी हो जाता है, पर कोई नहीं, चलो बार बार कर लेंगे स्प्रे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो यही थी भाइयों वीडियो, कैसी लगी वीडियो कमेंट में जाके जरूर बताना, बाकी वीडियो देखने आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और भाई एट लास्ट फ्लिपकार्ट वालों को तो यही बोलना चाहूंगा कि यार सर्विस थोड़ी बहुत ना सुधार लो तुम लोग, सही बता रहा हूँ, अभी वो ज्ञान थ्री भी भाई ने भी आप लोग के बारे में बताया था, तो मतलब थोड़ा बहुत सुधार हो यार, थोड़ा बहुत सर्विस पे ध्यान दो अपनी पे, वो ज्यादा ठीक रहेगा। हालांकि आपका कस्टमर सपोर्ट काफी ज्यादा सही है, मतलब प्यार व्यार से बात करते हैं, फोन वगैरह भी उठा लेते हैं, लेकिन फिर भी यार जब आप कस्टमर की प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं कर पा रहे तो फिर क्या ही आप करोगे, मतलब ऑर्डर कस्टमर के बिना परमिशन के ही आप ऑर्डर कैंसिल कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, फिर
उसी सेम प्रोडक्ट के आप प्राइस बढ़ा दे रहे हो यार, क्या कर रहे हो मतलब। खैर छोड़ो, हमारा तो परफ्यूम आ गया फ्लिपकार्ट से भाई, कोई नाता नहीं है मेरा तो, कुछ ही मंगाना होगा अमेजोन से मंगा लूंगा मैं तो। देख ली मैंने भाई फ्लिपकार्ट की सर्विस।